और अब बड़ी खबर, जावड़ेकर के आवास पर आज दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। सुबह 11:30 बजे जावड़ेकर के आवास पर बैठक होगी, जिसमें सीएम वसुंधरा राजे, ओम माथुर, वी सतीश, मदनलाल सैनी, चंद्रशेखर बैठक में मौजूद रहेंगे। दिन भर टिकटों को लेकर इस मीटिंग में मंथन चलेगा। तमाम दिग्गज नेता राज्य के यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री राजे, वी सतीश सहित तमाम दिग्गज नेता वहां मौजूद हैं। चुनाव प्रभारी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर दिन भर ये बैठक चलने वाली है, जिसमें ओम माथुर, वी सतीश और मुख्यमंत्री राजे सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से। प्रीत, बताएं, दूसरी सूची को लेकर यहां पर टिकटों को लेकर मंथन चलने वाला है इस बैठक में, क्या कुछ अपडेट है बताएं? जी बिल्कुल, 11:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। दूसरी सूची को लेकर अब मंथन किया जाएगा बीजेपी में। जिस तरीके से लगातार भाजपा में इस्तीफों की बरसात हो रही है, तमाम जो नेता हैं, जो रुष्ट नेता हैं, जो पहली सूची आने के बाद नाराज है, वो इस्तीफे दे रहे हैं, उसको लेकर भाजपा फूक फूक के कदम रखना चाहती है। यही वजह है कि अब खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाकर एक बार फिर से भाजपा मंथन करेगी। और अमित शाह से मुलाकात से पहले प्रकाश जावड़ेकर के घर पर कोर कमेटी की बैठक होगी। उस बैठक में वसुंधरा राजे के अलावा ओम माथुर मौजूद होंगे, वी सतीश मौजूद होंगे, मदनलाल सैनी मौजूद होंगे, चंद्रशेखर मौजूद होंगे, तमाम जो नेता हैं बीजेपी के बड़े कोर ग्रुप के सदस्य वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि दिन भर ये मंथन का दौर जारी रहेगा। अमित शाह से भी मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले जावड़ेकर के घर बैठ करके कोर कमेटी की जो आपकी जो मतभेद है, जिस तरीके से चंद्रशेखर और वसुंधरा राजे के बीच में तमाम जो मतभेद थे उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो जो नाराज चल रहे हैं पहली सूची आने के बाद, उनको किस तरीके से मनाया जाए इस पे भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा आप जबकि कंपेनिंग का भी दौर शुरू हो चुका है, उस पे किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाए इसको लेके एक बार फिर से नई रणनीति तैयार की जाएगी। तो तमाम मुद्दों को लेकर आज भारतीय जावड़ेकर के घर पर सुबह 11:30 बजे से जो है डिस्कशन शुरू होने जा रहा है। जी प्रीत, ये बताएं कि जो पहली सूची जारी हो चुकी है भाजपा की ओर से, 131 नामों की घोषणा हो चुकी है, तो जिन बड़े नेताओं के नाम उस लिस्ट में नहीं थे, क्या उन्हें लेकर भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरी सूची में उनके नाम आ सकते हैं? जी बिल्कुल, कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ नेता रुष्ट हो गए हैं उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये कहा जाए कि जो नेता नाराज है या बड़े जो नेता है उनको मनाने का प्रयास दोनों ही तरफ भाजपा फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। जिस तरीके से सुरेश गोयल, राजेंद्र गोयल जो थे मंत्री राजस्थान में, उनको लेके जिस तरीके से मदनलाल सैनी को उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसको लेके एक बार फिर से इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। और जिस तरीके से जो नागौर से जो विधायक छोड़ के गए हैं बिबू रहमान, उन्होंने उनके पीछे की क्या वजह रही, भाजपा एक बार फिर से इस स्ट्रैटेजी पर भी एक बार विचार करना जा रही है। तो ये कहा जा रहा है भाजपा सूत्रों के हिसाब से कि जो अगली जो सूची आएगी, दूसरी जो सूची आएगी, उनमें ऐसे नामों को शामिल किया जाएगा जिसमें कहीं भी किसी भी नेता की नाराजगी बीजेपी को झेलनी ना पड़े। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी A1 संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि पहली सूची में कुछ नेता जो नाराज हो गए हैं बीजेपी से, इस्तीफा सौंप रहे हैं, उन्हें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दूसरी सूची पर विस्तार से और गहनता से मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राजे वहां मौजूद हैं, प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर ये बैठक होने वाली है और देर शाम तक ये बैठक चलेगी। 11:30 बजे से ये बैठक शुरू होनी है।